नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में बढ़ते हुए डेंगू मलेरिया के मरीजों के अत्यधिक प्रभावित ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के तालाबों में डेंगू के लार्वा को समाप्त करने वाली गम्बोजा मछली को छोड़ा गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र द्वारा कलेक्ट्रेट के समेत तिरवा रोड स्थित धीरा तालाब में डेंगू के लार्वा को समाप्त करने वाली लगभग 200 गम्बोजा मछली को छोड़ा गया। उन्होंने धीरा तालाब के अतिरिक्त नगर पालिका क्षेत्र कन्नौज के अन्य 3 और तालाबों को कुल 4 तालाबों में डेंगू के लार्वा को बढ़ाने से रोकने के हेतु आज गम्बोजा मछली छोड़ी गई है। जिलाधिकारी ने समस्त प्रभावित क्षेत्रों हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में एवं अधिशासी अधिकारी कन्नौज को जनपद के नगरीय क्षेत्रों के प्रभावित तालाबों व जालस्थलों में गम्बोजा मछली को छोड़ने के निर्देश दिए हैं। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। वर्तमान में जनपद में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिन गाँव में डेंगू के केसेज आए हैं या शहरी क्षेत्र में जो तालाब हैं तो उसमें चूँकि पानी भरा रहता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डेंगू के मच्छर वहाँ पनपें। तो इसके लिए इन तालाबों में गम्बोजा मछली जो डेंगू के लार्वा को ही खाती है वो मछलियाँ डलवाई जा रही हैं, तो वो उसके पड़ने से ये मछलियाँ डेंगू के लार्वा को खा लेंगी तो फिर डेंगू का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अपने कन्नौज शहर के 4 तालाबों में डलवा रहे हैं और रेस्ट जो गांव हमारे प्रभावित हैं उन गांव में भी हर तालाब में हम मछलियां डलवा रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।